जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकीज रेल स्ट्रीम। आज हम आए हैं न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम ट्रेन लेने वाले हैं फिरोजपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो कि वाया न्यू मोरिंडा मोहाली पहुँचेगी। मोहाली रेलवे स्टेशन पे 10 बजे 9:30 का अराइवल टाइम है। न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन पे 5 बजे ये ट्रेन चली है फिरोजपुर से, वाया मोगा जगराओं लुधियाना पहुँची है 7:30 बजे। 7:30 बजे इसकी लोको रिवर्सल हुई है फिरोजपुर से लुधियाना। इसको डीजल लोको जो कि हॉल करता है, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक लोको हॉल करता है लुधियाना से चंडीगढ़ सेक्शन पे। तो लोको रिवर्सल के बाद, लोको चेंज के बाद अब ये ट्रेन पहुंचेगी न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे 9:30 का पहुंचने का टाइम है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखते हैं कितनी लेट आती है ये ट्रेन। और इसकी डेस्टिनेशन रहेगी मोहाली, फिरोजपुर मोहाली एक्सप्रेस है ये एक्चुअली में। इसको चंडीगढ़ तक नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रेन आती हैं सुबह के टाइम, तो इसको मोहाली ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। शाम को भी ये मोहाली फिरोजपुर एक्सप्रेस बन के चलती है। तो जैसे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी होगी, साइड लाइन की अवेलेबिलिटी होगी, तो इसको मोहाली रेलवे स्टेशन से भी डिपार्चर दे दिया जाएगा। बट इसका अभी टर्मिनेटिंग पॉइंट मोहाली रहेगा। तो हम आए थे सुबह चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, और हमने चंडीगढ़ से न्यू मोरिंडा की जर्नी की। उसके बाद हमने न्यू मोरिंडा और मोरिंडा रेलवे स्टेशन कवर किए पार्ट 2 के अंदर। यह पार्ट 3 देख रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट 3 में हम जाएंगे न्यू मोरिंडा से मोहाली इन फिरोजपुर मोहाली एक्सप्रेस। फ्रेम के अंदर विजिबल हो चुकी है फिरोजपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जा रहा है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ इस टाइम, और 9:30 का टाइम था यहाँ अराइवल। 9:27 पे हमें दिख चुकी है ट्रेन, तो राइट टाइम ही चल रही है ये ट्रेन, जो कि अच्छी बात है। और इसको एक ऑफ लिंक हॉल करता है हमेशा की तरह, जो कि शायद WAG 9 है, और इसमें ICF कोचेज आपको देखने को मिलेंगे। जनरल की टिकट ली है हमने, 33 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 30 रुपये की टिकट है। वलसद शेड का WAG 9 लगा हुआ है। ऑलमोस्ट खाली ट्रेन, हम चलते हैं सबसे फ्रंट डब्बे की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं जनरल डब्बे के अंदर, इस डब्बे में आ जाते हैं। हॉर्न हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस ट्रेन की अगर रेक शेयरिंग की बात करें, तो ये इसकी रेक शेयरिंग है फिरोजपुर बठिंडा एक्सप्रेस और फिरोजपुर हनुमानगढ़ एक्सप्रेस के साथ। तो ये तीसरी डायरेक्शन में आई है ट्रेन, जो कि है फिरोजपुर मोहाली। तो ये तीन डिफरेंट रूट्स पे यही वाला रेक चलता है। और अभी हम न्यू मोरिंडा से डिपार्चर लेने वाले हैं। ट्रेन का हॉर्न आपने सुन लिया, और अब हम आपको जर्नी दिखाते हैं न्यू मोरिंडा टू मोहाली इन फिरोजपुर मोहाली एक्सप्रेस। क्योंकि ये जनरल डब्बा है, तो मैं आप और खाली पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ICF का जनरल कोच, यहाँ पे 4 लोगों की सीटिंग है। ऊपर वैसे तो लगेज रखने का सामान होता है, लेकिन लोग ऊपर बैठ भी जाते हैं। इस साइड हमेशा सिंगल सीटिंग रहती है जनरल कोच के अंदर। और इसका ये पहला कोच है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी है ये। तो इसका आप वॉशरूम देखें, और ये रूट से हम अभी आए थे। ये न्यू मोरिंडा से मोरिंडा जा रही है लाइन, ओरिजिनल लाइन थी जो 1927 में बनाई गई फ्रॉम सरहंत टू नंगल। और हम डाइवर्ट हो रहे हैं बिल्कुल नई लाइन पे, जिसके लिए ये न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो कि है लुधियाना चंडीगढ़ ब्रांच लाइन। बहुत प्यारा कर्व चंडीगढ़ की तरफ फ्रॉम न्यू मोरिंडा। आपको दूसरी साइड दिखाते हैं, जो कि ओल्ड मोरिंडा रेलवे स्टेशन से आ रही है, मोरिंडा से आ रही है। और इसी की वजह से ओल्ड मोरिंडा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये चंडीगढ़ ओल्ड मोरिंडा ब्रांच लाइन भी कह सकते हैं आप इसको।
पैरेलली आप देख रहे हैं मोरिंडा जंक्शन से रेलवे लाइन, जो कि अभी हमारी रेलवे लाइन के अंदर मर्ज हो जाएगी। इसी रेलवे लाइन से अभी कुछ मिनट पहले हिमाचल वंदे भारत एक्सप्रेस निकली है। तो ये होगी मर्ज और अब हम आ चुके हैं लुधियाना चंडीगढ़ ब्रांच लाइन के ऊपर। दोस्तों इस रेलवे लाइन पे चलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स मैं आपको बता देता हूँ। वो है हिमाचल वंदे भारत एक्सप्रेस, दौलतपुर चौक जनशताब्दी एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस और जो कि ऊना से इंदौर के बीच में चलती है। उसके अलावा अमृतसर रूट की बात करें तो चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी, चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस, हेमकुंट एक्सप्रेस, संभलपुर एक्सप्रेस और कालका वैष्णो देवी एक्सप्रेस, होशियारपुर आगरा एक्सप्रेस और कुछ पैसेंजर ट्रेन्स। खाली डब्बे के अंदर ट्रैवल करना आई थिंक ये हर किसी को बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि हम इंडियन रेलवेज की जब भी बात करते हैं तो जो जनरल कोच की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर भरी रहती हैं और उनके भरने के कारण लोग स्लीपर में भी चढ़ जाते हैं, जो हमें आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पूरा हॉर्न बजाते जा रही है ये ट्रेन, क्योंकि हम बिल्कुल इंजन के पीछे वाले डब्बे में ही हैं। पहला डब्बा ये इंजन के पीछे और पूरा डब्बा खाली है। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि फिरोजपुर से चंडीगढ़ दो ट्रेन चलती हैं, एक सुबह एक शाम को। जो ये सुबह वाली ट्रेन है इसको मोहाली टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी नहीं रहती और इसको बाद में चंडीगढ़ लेके जाया जाता है, बट एक घंटे बाद लेके जाया जाता है जब प्लेटफॉर्म्स खाली होते हैं, इसको मेंटेनेंस होती है वहाँ पे। वापस इसको मोहाली रेलवे स्टेशन लेके आया जाता है शाम को। मोहाली फिरोजपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस बन के चलती है। रूट इसका वही रहता है चंडीगढ़ से लुधियाना इलेक्ट्रिक लोको। लुधियाना में जो इलेक्ट्रिक लोको है वो चेंज हो जाता है, डीजल लोको लगता है और ट्रेन की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। तो ट्रेन वहाँ पे जो है वो जगराव मोगा होके फिरोजपुर पहुँचती है WDP2 इंजन के साथ, जो कि एक डीजल इंजन है। ऐसे ही शाम को भी फिरोजपुर से एक ट्रेन चलती है, जो शाम को फिरोजपुर से ट्रेन चलती है 5:30 बजे, वो ट्रेन बिल्कुल चंडीगढ़ तक लेके आया जाता है, उसको मोहाली टर्मिनेट नहीं किया जाता क्योंकि रात को प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी रहती है चंडीगढ़ पे। तो रात को 11:30 बजे के करीब वो ट्रेन पहुंचती है चंडीगढ़। इतने हॉर्न इसलिए बज रहे हैं क्योंकि अम्बाला को जो रूपनगर के साथ कनेक्टिविटी दी जा रही है फ्लाईओवर के थ्रू, तो इससे क्या होएगा, जितना भी ट्रैफिक अम्बाला से चंडीगढ़ आता था और चंडीगढ़ से रूपनगर जाता था और रूपनगर से आगे मनाली के लिए या धर्मशाला के लिए जाता था, वो सारा इस रोड पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो अम्बाला से डायरेक्ट आप इस रोड पे आओगे और रूपनगर निकलोगे, जिससे आपका चंडीगढ़ का ट्रैफिक बच जाएगा। इससे क्या होएगा, आपका ट्रैवल टाइम कम होएगा और दूसरा आपका जो चंडीगढ़ कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो मैं बता रहा था कि जो शाम को फिरोजपुर से ट्रेन चलती है वो पूरी चंडीगढ़ तक लेके आई जाती है और वो शायद 5:30 चलती है फिरोजपुर से और 11:00 बजे रात के पहुंचती है चंडीगढ़। लुधियाना में काफ़ी टाइम का स्टे रहता है, अराउंड 30 मिनट, क्योंकि ट्रेन को सिर्फ डायरेक्शन ही रिवर्स करनी है, ट्रेन को लोकोमोटिव भी चेंज करना है। ऐसे ही जो
सुबह चंडीगढ़ से फिरोजपुर के लिए ट्रेन चलती है, वो भी चंडीगढ़ से चलती है, मोहाली से नहीं चलती। पंजाब के आप खेत देख रहे हैं, पानी लगा दिया गया, ये चावल हैं। ब्रांच लाइन पे ट्रैवल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको रिमोट ब्यूटी देखने को मिलती है, जो विलेजेस अनटच्ड हैं, मेट्रो सिटीज़ के साथ नहीं लगते और अभी भी अपने पुराने कल्चर रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, वो सब आपको इस ब्रांच लाइन से देखने को मिलता है। अभी ट्रेन को खरड़ आउटर पे रोका गया है, एक अमृतसर लालकुआं ट्रेन आनी है चंडीगढ़ साइड से, बट वो उसका टाइम 10 बजे तो अमृतसर चंडीगढ़ से चलने का है, तो अभी देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है, उसके लिए हमें क्रॉस पे रोका गया है या बहुत ही सुंदर पेड़, उस पर येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं और इसके पीछे अगर आप देखें वो पेड़ के नीचे मोटर है जहाँ से इन खेतों को पानी दिया जाता है। इस साइड रेलवे स्टेशन के साथ कुछ घर बने हुए हैं क्योंकि हम खरड़ शहर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी स्पीड पे ट्रेन चल रही थी, अब तक तो शायद मोहाली आउटर भी पहुंच जाती जिस स्पीड पे ट्रेन जा रही थी, बट अब यहाँ पे हमें 5-7 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो अभी मैंने ट्रैकिंग की साइट खोली है और उसके ऊपर देखा है कि जो अम्बाला अम्बंदौरा मेम्यू है जो कि अम्बाला से चली है और उसकी डेस्टिनेशन है अम्बंदौरा और इसका रूट है वाया चंडीगढ़ मोहाली मोरिंडा कुराली रूपनगर अनंतपुर साहब नंगल डैम ऊना, तो वो ट्रेन आज लेट चल रही है। इस टाइम उस ट्रेन को वैसे मोरिंडा होना चाहिए था बट वो ट्रेन लेट चल रही है और अभी मोहाली रेलवे स्टेशन से निकली है, तो क्योंकि वो मोहाली रेलवे स्टेशन से निकली है अगला स्टॉप उसका खरड़ है और खरड़ रेलवे स्टेशन के आउटर पे ही हम खड़े हैं। तो जैसे ही उस ट्रेन को खरड़ रेलवे स्टेशन पे लिया जाता है वैसे ही हमारी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। और वैसे तो दोस्तों इस ट्रेन को मेन लाइन पे भी रोक सकते थे खरड़ रेलवे स्टेशन की, बट जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं वो एक प्रिकॉशनरी मेज़र लेते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड से भी ट्रेन आ रही है और ये सिंगल लाइन सेक्शन है, ब्रांच लाइन है, तो जब ऑपोजिट साइड से ट्रेन आएगी और उसको ब्रांच लाइन पे लूप लाइन पे ले लिया जाएगा प्लेटफॉर्म की, उसी के बाद हमें आउटर से जो सिग्नल प्रोसीड का वो स्टेशन मास्टर क्लियर करेंगे।
इसी के साथ हमारी एक और ट्रेन राइड होती है ख़त्म। पहुंच चुके हैं हम मोहाली रेलवे स्टेशन और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा है जहां पे इस ट्रेन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये फिरोजपुर मोहाली एक्सप्रेस की लास्ट डेस्टिनेशन है और इसी रेलवे स्टेशन से शाम को मोहाली फिरोजपुर एक्सप्रेस बन के ये ट्रेन निकलेगी। ट्रेन अपने राइट टाइम पे मोहाली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो फाइनली हम मोहाली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है ये। आई होप आपको ये ट्रेन जर्नी थोड़ी शॉर्ट थी बट अच्छी लगी होगी। और मेन मोटिव जो था इस ट्रेन जर्नी का वो यही था कि हम मोरिंडा और न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन कवर करने गए थे, जो हमने पार्ट 2 में इस सीरीज़ में कवर किया है और उसका अपलोड किया है व्लॉग जो कि लाइव है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है। और मोरिंडा न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैंने इस बार अपनी बाइक पे नहीं गया, मैं इस बार ट्रेन पे गया। सुबह मैंने चंडीगढ़ अमृतसर ट्रेन पकड़ी, मोरिंडा स्टेशन पे रेल फैनिंग की, उसके बाद मैंने रिटर्न ट्रेन ली, ये फिरोजपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट स्टेशन कौन सा देखना चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।